वुहान से फैला कोरोना वायरस भारत पहुंच चुका है। केरल में इसके पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस का एक संदिग्ध केस रांची में भी सामने आया। देखिए इस रिपोर्ट को। दुनिया में कोरोना की दहशत, रांची में पहला संदिग्ध केस, अलर्ट पर रिम्स प्रशासन। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है। चीन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देशों में आए दिन कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल में पहला मामला सामने आया है। इधर रांची में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। चीन के शंघाई से रांची आए पीएचडी के छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, जिसके बाद उसे रिम्स में एडमिट किया गया। उसके ब्लड सैंपल को पुणे जांच के लिए भेजा गया है। डॉक्टर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आके हम लोगों ने डॉक्टर से उनको तुरंत चेकअप कराया। आइसोलेशन वार्ड में हमने उसे रख दिया और वहाँ सारी व्यवस्था कर दी गई है। आइसोलेशन वार्ड में हैंड वॉश जो है वो, टिश्यू पेपर, N95 मास्क वगैरह सब कुछ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है PPE, उस सारी चीज व्यवस्था हो गई। कोरोना वायरस के फैलते जाल को देखते हुए रिम्स प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। रिम्स में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए 5 बेड लगाए गए हैं। साथ ही एंटीबायोटिक और दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। रूम तैयार है और हमारे यहाँ जो किट, मास्क, ये सब जो मैंने जिसका जरूरत है वो सब उपलब्ध है। यहाँ पे आइसोलेशन की वार्ड उसके लिए रेडी है। कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल कोई दवा नहीं है। यही वजह है कि चीन जैसे देश ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज में निमोनिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर आपको बुखार आए, कफ की शिकायत हो, साथ ही सांस लेने में दिक्कत हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सौरभ, जी मीडिया, रांची।